हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल आईओ। सो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ लाइफटेक की तरफ से आने वाला एक बजट ब्लूटूथ स्पीकर। तो इस वीडियो में आपका पूरा अनबॉक्सिंग मैं करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको इसका एक क्विक रिव्यू दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा ब्लूटूथ स्पीकर का बॉक्स, और ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस स्पीकर, और यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल स्पीकर विथ पावरफुल साउंड वायरलेस यूएसबी ऑक्स या फिर टीएफ कॉल। और राइट साइड की बात करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफटेक। तो यहाँ पे साइड में बात करो तो यहाँ पे कुछ कुछ सोशल हैंडल्स दी गई है, और नीचे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। पीछे की तरफ हमें कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अब इसे बॉक्स को ओपन करते हैं। सो बॉक्स में सबसे पहले तो हमें स्पीकर देखने को मिलता है, तो ये इसे मैं अभी साइड में रख देता हूँ और देखता हूँ बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है केबल, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्ट करके गाना प्ले कर सकते हैं। और एक और चीज़ मिलता है जो कि है एक यूज़र मैनुअल गाइड। सो ये रहा स्पीकर, और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें फोर बटन देखने को मिलते हैं, जो कि है मोड बटन, वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप बटन, और साथ ही साथ प्ले या पॉज बटन। तो नीचे की तरफ यहाँ पे देखें तो एक रबर ग्रिप देखने को मिलता है, जिससे आपका स्पीकर कहीं से भी स्लिप नहीं करेगा। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें एक पेन ड्राइव इंसर्ट करने का पोर्ट मिलता है एसडी कार्ड, या फिर अगर आपको चार्ज करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं। तो एक ऑन ऑफ का भी बटन देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ यहाँ पे लाइफटेक का ब्रांडिंग है। सो अब बात करें कि चार्जिंग की, तो यहाँ पे आप आराम से कोई पावर बैंक में कनेक्ट करके या फिर आप डायरेक्ट चार्जर से कनेक्ट करके इसे आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे एक रेड इंडिकेटर जलेगा, तो जिससे आपका इंडिकेट होगा कि ये चार्ज हो रहा है। सो अगर आप इसे ऑन करके चार्ज करते हैं तो यहाँ पे हमें रेड और ब्लू दोनों देखने को मिलता है, और अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें रेड देखने को मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी, अंडर 500 के रेंज में तो काफ़ी अच्छा स्पीकर देखने को मिलता है। तो अब इसे मैं साउंड टेस्ट भी करता हूँ कि इसका कैसा साउंड देखने को मिलता है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल है, आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और साथ ही साथ इसमें कनेक्ट कर लेना है लाइफटेक मेलोडी के नाम से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो सिंपल आप उसे कनेक्ट कर लीजिए और आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ बैटरी बचा है। सो अब मैं एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा इसका सॉन्ग क्वालिटी है। I'm
सो अब ओवरऑल स्पीकर की बात करो तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस काफ़ी अच्छा स्पीकर है, और जब मैंने इसे लिया था तो 299 के प्राइस पे अमेजोन पे मिल रहा था, बट प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अंडर 500 की बात करो तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है और इसे आप ज़रूर बाई कर सकते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके बाई कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।